देखिए अगेन वही, हमें सबसे पहले देखना होगा कि डिप्रेशन की वजह क्या है। एक डिप्रेशन है जो कि बायोलॉजिकल या जेनेटिक बेसिस पे होता है, वो हम क्लिनिकली असेस करने के बाद डिसाइड करते हैं। बट अगर एक आदमी को क्लिनिकली या बायोलॉजिकल डिप्रेशन है तो उसको फिर हमें दवाई के ज़रिए उसको हेल्प आउट करना पड़ता है। और ये जो दवाइयाँ हैं जो कि डिप्रेशन से मुतल्लिक दवाई है, उसका अफेक्ट आने में ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks लगते हैं, और दवाई को फिर एडजस्ट करना होता है। जब एक दफ़ा दवाई फुली तौर पर एडजस्ट हो तो इंसान डिप्रेशन से निकल आता है। ये ऐसा डिप्रेशन है, और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जो 100% ठीक हो सकती है। और अगर ये ठीक ना हम करें या डिप्रेशन का इलाज प्रॉपर तरीके से ना हो तो बहुत सारे लोग सुसाइडल उसमें थॉट्स आने लगते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। सो ये एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है, इसकी हम प्रिवेंशन पॉसिबल है। सो डिप्रेशन का इलाज हमें करवाना चाहिए। ये एक बायोलॉजिकल डिप्रेशन की एक एंटिटी है, एक एंटिटी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ लिंक है। जिन लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो सेंसिटिव हैं, जल्दी परेशान होते हैं, एक सिचुएशन को हैंडल करना उनको मुश्किल लगता है, इनमें डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इनमें आप दवाई के ज़रिए इनको डिप्रेशन से बाहर निकाल भी लें तो भी अल्टीमेटली हमें इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना होगा। उसमें काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, जो कि इनको हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में कि आप अपनी पर्सनैलिटी को असेस करें, उसको बेहतर करें, और अगर कोई स्ट्रेसर है तो उससे बेहतर तौर पर उसको डील कर सकें।